लखीमपुर खीरी में मृत किसानों की अस्थि विसर्जन का कलश यात्रा गुरुवार को कानपुर पहुंची है, जहां शहर के सरसैया घाट में इनका विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि लखीमपुर में हुई घटना में कई किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान संगठनों द्वारा किसानों की अस्थियों को उत्तर प्रदेश की सभी नदियों में विसर्जित करने के लिए अस्थि कलश यात्रा निकाली गई और प्रदेश की नदियों में विसर्जित की जा रही है। ये कि लखीमपुर खीरी में जो किसान हमारे शहीद हुए थे, तो ये जो अस्थि कलश यात्रा रखी गई है उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में और जितने मंडल हैं उनका विसर्जन किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में 19 तारीख को हमारे मंडल प्रभारी आरणी करुआ सिंह जी गाजीपुर बॉर्डर से चले थे। इन्होंने कानपुर मंडल में इटावा और रैया और आज कानपुर देहात, कानपुर नगर, इन जगहों में प्रमुख नदियों में विसर्जन किया है। इसके बाद ये कन्नौज और फरुखाबाद जो दो जनपद बकाया हैं उनको कल करेंगे। इसी कड़ी में किसानों की अस्थियों को गाजीपुर से होते हुए इटावा और रैया के बाद कानपुर लाया गया, जहां मां गंगा के आंचल में किसानों की अस्थियों को विसर्जित किया गया।